हरण महादेव देसी ब्लॉग के लिए क्षमा चाहती हूँ और इस ब्लॉग की शुरुआत होती है हम सबके कहीं जाने से। ये आपको अभी इसी ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम सब विद फैमिली दीदी जीजू के साथ जा रहे हैं कहीं दूर। तो हरण महादेव मैंने यहाँ पर विश किया आप सबको और सुबह के 4 बजे हुए थे। ये बैग लगेज है हम सबका जो हम लोग जिसे समझ चुके होंगे कि हम लोग काफी लंबा ट्रेवल करने वाले हैं। और मासी का स्ट्रगल देख सकते हैं, दोनों बच्चे मेरे पास थे ऑटो में। इसी तरह से हम लोग को मॉर्निंग में जल्दी ऑटो मिला और दीदी और जीजू पहले स्कूटी से इसलिए निकल गए थे क्योंकि गेट हम लोग का जो है वो काफी दूर पड़ जाता है। यहाँ पर दीदी ने वीडियो मेरा रिकॉर्ड किया था और ये स्लीपर हम लोगों ने बुक की हुई थी। हम लोग को जहाँ जाना था उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 2 घंटे का ट्रैवल था। और फाइनली आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही थी द्वारिका, हम लोग द्वारिका पहुंच गए हैं। ये मॉर्निंग के सुबह के 7:30 बजे हुए हैं। बाहर निकलते हैं देखते हैं कितनी ज्यादा धूप है। सुबह के 7 बजे भी यहाँ पर द्वारिका में इतनी ज्यादा धूप आ जाती है और फिर हम लोग एक ऑटो बुक कर लेते हैं। बाहर निकलते हैं आपको कैब मिल जाता है पूरे दिन के लिए कभी घुमाने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस वो घुमाते हैं। ऑटो का चार्ज है 1500 से 2000 के बीच में, वही कैब का चार्ज है 3000 से 4000 के बीच में। और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती है भी गाड़ी में बहुत रेयर गाड़ी में ही एसी चलती है। आप जो चाहें वो प्रेफर कर सकते हैं अपने लिए। हमें ऑटो प्रेफर किया और ऑटो से ही हम लोग पहले हम लोग इस ऑटो में बैठ कर पहुंच जाते हैं अपने ब्रेकफास्ट की लोकेशन पर ब्रेकफास्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैं दीदी से बोल रही थी कल सूरत देख रहे हैं कैसे लग रहा है। दीदी बता रही कि एकता पार्क को घूमने गई थी जब वो उससे भी बदतर थी क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी होती है वो बहुत ज्यादा खराब होती है और उसमें जो नमी रहती है स्वेटिंग वगैरह भी हम लोग को बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से हम लोग का फेस कुछ ऐसे ही रहेगा पूरी जर्नी। और हम लोग फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद पहुंच जाते हैं बाबा के दर्शन करने। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है, इसको नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन हम लोग को बहुत ही सिद्ध से बहुत ही अच्छे से करने को मिले और आप सबको भी इसके दर्शन आपको संतुष्टि से कराने को मौका मिल रहा है क्योंकि और जितने भी ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे वो मैं मिनी ब्लॉग के तौर पर ही डालूंगी क्योंकि उन सभी मंदिरों को प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि वहां पर मोबाइल ले जाना वर्जित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले चंदन लगाया और यहाँ पर टीका लगवाया जिसमें दीदी की तबीयत थोड़ा सा सही नहीं है भी, मतलब उसको ट्रेवलिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद मैंने भी यहाँ पर टीका लगाया। मैं फर्स्ट टाइम ही चंदन और बाबा का ओम लिखवा रही हूँ माथे पर। अच्छा लगा ऐसी जगह पे जाके थोड़ा बहुत इस तरह की स्पिरिचुअल के साथ अच्छा लगता है। और फिर यहाँ गए अंदर जाने के बाद ये नागेश्वर मंदिर का जो लुक है कुछ इस तरह से है। आपको गुजरात के मोस्टली टेम्पल्स आपको लात पत्थर में ही देखने को नजर आएंगे। और यहाँ हम लोग के मंदिर पहुंच गए। मंदिर में हम लोगों ने बाबा के दर्शन कर लिए हैं। ये जो नंदी बाबा बैठे हुए हैं इनके दर्शन मैं आपको करा रही हूँ। और इसके ठीक सामने ही ज्योतिर्लिंग है क्योंकि आपको भी पता होगा कि जहाँ नंदी बाबा का मुंह होता है उसके ठीक सामने ही ज्योतिर्लिंग होती है। और काफी ज्यादा डाउन में ज्योतिर्लिंग है यहाँ की मोस्टली ज्योतिर्लिंग जो है वो डाउन में ही है। ये देख सकते हैं द्वादश महादेव लिखा हुआ है, नागेश्वर महादेव लिखा हुआ है। द्वादश ज्योतिर्लिंग है यानी कि 12वीं ज्योतिर्लिंग है ये यहाँ की। और आपको बता दें गुजरात की ही पहली ज्योतिर्लिंग है जो सोमनाथ है और जो लास्ट की 12वीं ज्योतिर्लिंग है वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये मुझे फर्स्ट टाइम ही पता चला था, मुझे नहीं पता। जब मंदिर में आई तब मुझे ये बात पता चली कि शुरुआत और अंत जो है वो गुजरात ही है ज्योतिर्लिंग का। अच्छा लगा, मैंने दीदी से बोला कि आप भी थोड़ा सा दर्शन। कहती है ठीक है। लुक कुछ इस तरह से है। अभी इतने दूर आता है वो हर इंसान चाहता है कि अपनी फैमिली को भी दर्शन करा सके। ऐसे ही कुछ लोग वीडियो कॉल पर अपनी फैमिली को दर्शन करा रहे थे। यहाँ पर बाबू मेरे पास ही था। के अंदर ही कुछ स्टॉल लगते हैं। ऐसी यहाँ की मान्यता है कि नाग नागिन से रिलेटेड कोई भी दोष अगर आपके जीवन में है, चांदी के नाग नागिन के जोड़े को चढ़ाने से इस शिवलिंग पर आपके वो दोष खत्म होते हैं। और फिर यहाँ पर दीदी मुझसे बोलती है कुछ फोटो भी क्लिक करा लो। और फिर हम लोग मंदिर के बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जू और आयत जो है वो इस मठ में घुसे क्योंकि इस मठ में जो है वो हवन होता है, एक तरह की भस्म यहाँ पर मिलती है। और इस यहाँ पर पहाड़ी बोर्ड लगा हुआ है, पुरुष दोनों ही जा सकते हैं क्योंकि बाबा की भस्म लगाने से मन को बहुत शांति मिलती है। हम लोगों ने भस्म लगाई और मुझे भी नहीं पता था यहाँ प्रसाद नहीं चढ़ता, इसलिए मैंने प्रसाद लिया था। और ये जो प्रसाद है अगरबत्ती मिली थी वो इसी भस्म के पास मैंने जलाई थी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप प्रसाद ले और चढ़ाएं क्योंकि यहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ता। कोई भी बड़े मंदिर में प्रसाद लेकर नहीं गई उसके बाद क्योंकि किसी भी मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ता है। यहाँ पर ये बाबा की 81 फिट की मूर्ति है जो देख कर बहुत ही आकर्षित करती है लोगों को। ये ओवरऑल मेरा ब्लॉग था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ब्लॉग देखना पसंद करेंगे या मिनी ब्लॉग देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।